हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं अपनी किचन में मटर पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी बनाने। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चलो फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। हम लोग इन सामान का यूज करेंगे। इसमें हमारी सामग्री है, एक कटोरी हम पनीर लेंगे, दो टमाटर लेंगे पके हुए लाल टमाटर, तीन चार हरी मिर्च लेंगे, साथ ही हम लेंगे एक कटोरी मटर। अगर आप एक कटोरी लेना चाहें तो एक कटोरी लें या कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ लेंगे हरी धनिया, दो प्याज, ठीक है, मीडियम साइज के दो प्याज लेंगे, एक इंच अदरक का टुकड़ा और हमने लगभग 10-15 कलियां लहसुन की ले ली हैं, ठीक है। तो ये सामान हमें इसमें चाहिए। अब देखिए फटाफट से हम क्या करेंगे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, इन सभी को हम क्या करेंगे, रफली चॉप कर लेंगे और इसके साथ ही हम लहसुन भी ले लेंगे। इनका हमें क्या करना है, पेस्ट बनाना है। तो इन सबको हम डालेंगे मिक्सर जार में और हमने इसमें क्या क्या डाल दिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, ठीक है। आप टमाटर का अलग पेस्ट भी बना सकते हैं और बाकी सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका अलग पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं एक ही में इसे डाल दे रही हूँ। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और उसमें हम कुछ काली मिर्च के दाने भी डाल देंगे 8-10, और इन सब का हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है मिक्सर जार में। आप इन्हें अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसे गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल। कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल, और ऑयल को एकदम गर्म हो जाने दें। अब उसमें हम डाल देंगे पनीर। पनीर को हम फ्राई करेंगे और मैं यहाँ पर आधे पनीर को फ्राई कर रही हूँ और आधे पनीर को मैं ऐसे ही रख लूँगी। इससे जो है ना पनीर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, उसमें आपको फ्राई पनीर का भी फ्लेवर आ जाएगा और साथ ही और जो है कच्चे पनीर का भी फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पे पनीर फ्राई हो गए हैं तो हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं सभी पनीर को हमने निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम और ऑयल डाल देंगे, लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल और डाल देंगे। अब उसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, हमने लिए हैं 1/2 चम्मच जीरा, 3-4 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 1 इलायची, ठीक है। इन सबको हमें इसमें खड़े ही भून लेना है, यानी फ्राई कर लेना है। अब ये मसाले अच्छे से भून गए हैं, उसमें हम डाल देंगे प्याज, कटा हुआ प्याज एक हमने रखा था, उसे कटा हुआ प्याज को इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हमने जो पेस्ट तैयार किया था लहसुन, अदरक, मिर्च, प्याज और टमाटर का, उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और उसमें जो है चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक भून लेंगे। हमने यहाँ पर मसालों को 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच रेडीमेड जो मीट मसाला आता है वो हमने यूज किया है, आप इसकी प्लेस पर गरम मसाला यूज कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया 2 चम्मच मीट मसाला, साथ ही इसमें पड़ गया 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गए हैं, उसे हम डालेंगे, लेकिन हम लाल मिर्च पाउडर यानी मिर्च हम बहुत कम खाते हैं, इसलिए हमने 1/2 चम्मच ही यूज किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसका यूज कर सकते हैं। और इसी में साथ में थोड़ा सा डाल देंगे पानी। ये पानी आपको रेड इसलिए दिख रहा था क्योंकि जो मैंने प्यूरी वाला प्लेट रखा था उसी का ही पानी मैंने धुल के इसमें डाल दिया है, इसलिए उस आपको थोड़ा सा लगा होगा कि दूसरा कुछ तो नहीं डाल दिया, इसलिए हमने बता दिया कि वो वही पानी है और थोड़ा सा हमने और पानी डाल दिया। इससे क्या होगा, मसाले अच्छे से भून जाएंगे। अब इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू है, आपको कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन जो भी सामान है सब अच्छे से पड़ गए हैं, मसाले अच्छे से मिल गए हैं। देखिए पक
गया है। हाँ देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया, अब इसमें हम डाल देंगे मटर और साथ ही जो हमने पनीर रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे। देखिए हमने आधा फ्राई किया था, आधा वैसे ही रख लिया था, तो दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हमारे इस किचन में लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत ही प्यारा कलर आया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं और उसमें हमने थोड़ी देर 2 मिनट ढका था, 2 मिनट के बाद ही इसे ओपन कर लिया, तो इससे क्या होता है ना कि खुशबू जो है सब्जी में अच्छे से मिल जाती है मसालों की। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है, पहले इसका देखेंगे कि क्या थिकनेस आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग और पानी डाल लेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 गिलास पानी और डाल दिया है, बस हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें अच्छा नमक डालना मैं भूल गई थी, नमक भी डाल देती हूँ। तो हम यहाँ पर जो है 1.5 चम्मच नमक का यूज कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का यूज करें। अब इसको ढक कर छोड़ देंगे और लगभग 5 से 10 मिनट में ये सब्जी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमने इसको 10 मिनट के बाद खोला है और ये एकदम परफेक्ट बन चुकी है, हमारी सब्जी तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्तियाँ और गैस को कर देंगे ऑफ। अब इसे सर्व करेंगे। हम यहाँ पर देखिए पूड़ियाँ भी कुछ तल ले रहे हैं साथ में। अब इसको हम जा रहे हैं सर्व करने। हमने यहाँ पर रख दी है मटर पनीर की सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही है, साथ में पूड़ियाँ रख दिए हैं और एक कटोरी चावल। हमने यहाँ पर जीरा राइस के साथ इसे सर्व किया है। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और देखिए वैसे देखने में इतना अच्छा कलर तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइट का इशू है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका कलर और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।